देखिए, अपनी कमियों पर भी थोड़ी नज़र रखा करो। हर बार दूसरों की गलतियों को देखना ठीक नहीं। अपने मन को भी थोड़ा साफ रखा करो। हर बार दूसरों के बारे में गलत सोचना ठीक नहीं। नमस्कार, आदाब, जय हिंद। एक छोटी सी कहानी। यह कहानी उस जगह की है जहाँ एक बहुमंजिली इमारत का काम चल रहा था। अब इमारत बन रही थी तो वहाँ बहुत सी मशीनें भी चल रही थी जिनका शोर बहुत था। अब जिस सुपरवाइजर की निगरानी में ये सारा काम चल रहा था, वो सुपरवाइजर ऊंचाई पर था और वहाँ से वो एक संदेश उस मजदूर तक पहुँचाना चाहता था जो नीचे ज़मीन पर काम कर रहा था। अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि वहाँ बहुत सी मशीनें चल रही थी जिनका शोर बहुत था, जिसके चलते उस सुपरवाइजर की आवाज़ उस मजदूर तक नहीं पहुँची, उसे नहीं सुनाई थी। तब सुपरवाइजर ने एक तरकीब सोची। उसने 10 रुपये के नोट को अपनी जेब से निकाला और मजदूर के ऊपर फेंका। उसने सोचा कि मजदूर 10 रुपये के नोट को देखकर ऊपर देखेगा और मैं उस तक अपना संदेश, अपनी बात पहुंचा दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसके बिल्कुल उल्टा हुआ। उस मजदूर ने 10 रुपये के नोट को उठाया और अपनी जेब में रखा और काम करने में लग गया। जो काम वो पहले कर रहा था उसी को करने में लग गया। अब सुपरवाइजर के लिए जो था वो संदेश पहुंचाना ज़रूरी था, इसलिए उसने जेब से दूसरा नोट निकाला और फिर से उसी प्रक्रिया को दोहराया। उसने फिर से मजदूर के ऊपर उस नोट को फेंका, लेकिन फिर से वही हुआ। मजदूर ने नोट को उठाया, अपनी जेब में रखा और काम करने में लग गया। लेकिन इस बार सुपरवाइजर ने क्या किया, उसने एक छोटे से कंकड़ के टुकड़े को उठाया और उस मजदूर के सर पर फेंका। जैसे ही वो कंकड़ मजदूर के सर पर लगा, वो गुस्से से आग बबूला होकर ऊपर देखने लगा और सुपरवाइजर ने उस तक अपना संदेश पहुंचा दिया, अपनी बात उस तक इशारों के जरिए पहुंचा दी। अब कहानी तो बड़ी छोटी सी है, लेकिन इस कहानी से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अक्सर हम भी कहीं ना कहीं इस मजदूर वाली सोच को अपनाए हुए हैं। अक्सर हम दुनिया की चकाचौंध में इस भगवान, इस प्रभु परमात्मा को भूल ही जाते हैं। हम कभी इन छोटी छोटी खुशियों के लिए उसका शुक्र अदा नहीं करते और एक छोटा सा दुख मुझे अंदर तक झंझोर देता है। मुझे वो सारी बातें याद दिलाता है कि मैंने तो कभी किसी को दुख पहुंचाया ही नहीं। लेकिन बात इस दुख पर आकर भी ख़त्म नहीं होती। असली बात तो तब बनेगी जब मैं सुख और दुख दोनों में ही इसका शुक्र अदा करना सीख जाऊं और समझ जाऊं कि दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर दुख आया है तो सुख भी ज़रूर आएगा। वो कहते हैं कि कैसी भी स्थिति हो, लेकिन मन की भगवान के प्रति एक ही स्थिति हो, हर हाल में इसका शुक्र अदा करना आ जाए। यह कहानी हमें यही बात सिखाती है। तो मिलते हैं अगली किसी दूसरी कहानी। कहानी के बारे में आपकी राय, आपके विचार हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।